अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें। तो आज का प्लान कुछ ये है कि मैं अब्बा जी के साथ आज फिर प्रैंक करने लगा हूँ, गाड़ी घुमाने वाला उनको बैठाऊँगा और गाड़ी घुमाऊँगा, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से करूँगा। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने किया था तो उनको कुछ भी नहीं पता था, ना ये पता था कि कैमरा लगा हुआ है, ना उनको ये पता था कि ब्लॉग शूट हो रहा है। आज ब्लॉग शूट होगा और उनको मैंने फिल्म ये चलाई है कि गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं मैंने, तो आप मेरे साथ चलें। टायर इसके AMG के बिल्कुल ख़राब हो गए थे पिछले दोनों, बिल्कुल टायर फ्लैट हो गए थे, प्लेन हो गए पीछे से, सारे टायर फारे हो गए घुमा घुमा के। तो उनको मैंने कहा था कि मैं टायर चेंज करवाना है, तो आप भी आ जाए मेरे साथ चलते हैं। हम लोग AMG हमने स्टार्ट कर दी है, AMG स्टार्ट करी है, बीमर भी स्टार्ट करी है। अब मैं गाड़ियाँ बाहर निकालता हूँ, ठीक है, अब बस आते हैं, फिर उनके सामने पूरा कैमरा भी लगाएंगे, पूरा मनोरंजन होगा, और जाते जाते फिर हम गाड़ी घुमाएंगे और फिर उनका रिएक्शन देखेंगे कि इस दफ़ा क्या कहते हैं वो। और उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा कुछ नहीं कहेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि अब एक दफ़ा घुमा ली है उनको बिठा के, तो अब ज़रा मतलब यूज्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी कम्फर्ट द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। अब गाड़ियाँ बाहर निकालूँ फिर आपसे बात करते हैं। 10 minutes later तो गाइस अब्बा जी भी हमारे साथ आ गए हैं। अब्बा जी सलाम वगैरह ले लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हुआ, आपका मूड नहीं सही लग रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मूड सही है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, तो ये सही है, क्लास है, अल्लाह का बड़ा करें। टायर डलवाने थे इसके, तो मैंने कहा इकट्ठे चलते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। मैं इसलिए मैं कैमरा लगाया, मैं कहा चलो साथ ब्लॉग ही बना लूंगा ना। चलो टायरों का ठीक है। टायर इसके ना अब पिछले दोनों फ्लैट हो गए थे। सही है, गाड़ी घुमा घुमा के यार, वो गाड़ी के साथ जो जिस तरह का सलूक होता है तो वो टायर खराब ही होने मैं तो कहता हूँ कि टायरों का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। अब तो ऐसे आराम से चलाते हैं। आराम से नहीं चलाते, देखता रहता हूँ, घुमाते हैं, पता नहीं क्या गया उसके साथ जाती करते, तो टायरों का सत्यानाश ही होना था। कोई चीज बनी इसीलिए? नहीं बनी, बनी क्या इसीलिए, खराब करने के लिए, घुमाने के लिए। हाँ घुमाने के लिए बनी, फिर घुमाता ही रहो। हाँ जब भी देखो घुमाई जाओ, घुमाई जाओ। अब अगली दफा आप घुमाना। मैं तो घुमाने के वैसे खिलाफ हूँ, तो अच्छी बात नहीं घुमाना, चीज का नुकसान होता है, खराब होती है चीज, टायरों का बड़ा गर्क हो गया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ ले। चल झूठा, चल लै जा घर, हूं लै जा, इन्नी बड़ी आज तेरे, तेरी बेइज्जती होएगी तो तू सही होएगा। ਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਵਾਂਗਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਲੌਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਗਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਕੱਲਾ ਵੀ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਣਾ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਸਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਘੁਮਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕੀ ਬਾਬਾ ਟਾਇਰ ਡਲਾਣਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। टायर डलवाने नहीं जाने थे, तुम गलत काम करते हो, तुम्हें मैं मना करता हूँ बार बार, तू मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा मार खाएगा, समझ आएगी ना? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पढ़ती रहेगी तो तू सही रहेगा, जैसे नहीं तो बाहर आना। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, वह मतलब यह होंगे कि उन्होंने तकलीफा ना डील करना होंगे। ये घुमा घुमा के टायरों का बेड़ा गर्क हुआ है, समझ आई ना?
तो बाद फिर नहीं आता, झूठ बोल के गाड़ी ले आता है निकाल के। मुझे कहता टायर डलवाने हैं तो आगे घुमानी शुरू कर दी। सॉरी पिछली साल तू ऐसे ही कहता था सॉरी। दिल कर रहा था मैं तेरा खड़ी कर दो टायर रहने दो, टायर डलवा के फिर तूने खराब ही करने टायर, फिर चाबी मैंने छीन लेनी तेरे से, अब नहीं देनी चाबी तो टायर डलवा के इतने महंगे तो मुड़ नहीं खड़ी रहती है, खड़ी रहती है खड़ी रहती, जब निकलती है फिर उसका हशर हो जाता है। बाबा काम ही चलाते हैं ये। हाँ काम चलाते हैं, मुझे पता है काम चलाते हैं, बस हफ्ते में दो तीन दफा ही निकलती है, उतने में उसका काम हो जाता है बेचारी का। घुमा घुमा के नए टायरों का बेड़ा रखी है, अब नहीं करूंगा पक्का। मैं फिर केले जाके टायर डलवाऊं उसके। हां केले डलवाओ, केले डलवाओ, अब गाड़ी घुमाना ना। ठीक है आपको मजाक लग रहा था कि मैं टायर डलवा। हां जब तूने घुमाई है मैंने कहा ये झूठ हो रहा था, तूने मुझे कहा टायर डलवाने। घुमाई सही थी। हां यार सही बात है, सही घुमाई, सही दिल से नहीं कह रहे आप। दिल से नहीं, मुझे सही नहीं लगती ये चीजें, साफ बात है मैं इसका हक में नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ, ये मुझे नहीं ये चीजें ठीक लगती। तो रकम की चीजें बेड़ा गर्क कर देते हो तुम। चले अब नहीं करता सॉरी, पक्का वादा। चलो वादा ठीक है, ठीक है। मार भी गंदर से भेज देना मैं अपने टायर में। अच्छा तो जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगा था अब्बा जी ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा कुछ कहेंगे, तो इतना कुछ नहीं कहा उन्होंने। रोटी हजम हो गई मेरी चबेर खा के। टायर डलवाने थे कोई नहीं, मैंने इसके ऐवी मैंने झूठ ही बोला, अब्बा जी ने सही पहचाना कि मैंने झूठ बोला। अब मार भी को बुलाते हैं, तब तक गाड़ी बंद कर देता हूँ जरा, इसका ट्रैक्शन भी ऑन कर दो क्योंकि अब तो कमानी नहीं है, तो बंद कर देता हूँ। अब मार भी आ जाए तब तक, तो बाकी फिर देखते हैं क्या मामला था। ठीक है बिस्ती तो करवा ली है, हल्की फुल्की हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है बाकी गाइस अभी मज़ीद बात करते हैं। मार भी आ गए हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक करो बाहर हो गया बट करो बाहर कर रहे हूँ। अब्बा जी को बैठा के गाड़ी को घुमाया हूँ दोबारा से। हाँ जी फिल्म चलाई थी मैंने अब्बा जी के साथ। क्या मैं टायर डलवाने जा रहा हूँ, आधे चले तुमने क्या नवे टायर पवा के खा रहे? नहीं उनको लगा वाकई जा रहा हूँ, मैंने ब्लॉग का ये कैमरा इधर ही लगा तब से। अच्छा उन्होंने मुझसे पहले बैठने से पहले पूछा कि ये कैमरा क्यों लगाया, तो मैं कह ये वो टायर डलवाने जा रहा हूँ ना तो उसका व्लॉग बनाना, पता चलो सही है। तो रास्ते में फिर मैंने उसी चौक में जाके गाड़ी तो उसी तरफ टर्न किया, कहते अब इधर क्या करने लगे, फिर मुझे लगता है कुछ करने लगे, तो मैं कह नहीं नहीं मैं कह दूसरे रास्ते से जाने लगा, मैं कह ये इधर से ना रश भरा होता ब्रेकर है ये। मजा आया चपेर परी है, मजा आया। ऐसी चीजें बनाने का यही मेमोरीज है इंसान की, इसलिए गुस्से में थे। हाँ इसलिए गुस्से में थे, बोल के चले गए, कहते टायर चेंज करवा के मुबशर पुत्र, कह रहे इसके टायर चेंज करवा के चाहोगे, कह रहे चाबी नहीं, कह रहे चाबी मेरे पास रहेगी। गुड मैंने कहा बात तो ठीक है लेकिन बात है रसवाई की, काम भी गलत करता ना इस तरह,
ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੂੰਗਾ नयाजी के साथ या रून के साथ मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ करूं तो सारे ना कर रहे ना मेरे नाल कुछ होना चाहिए अल्लाह खैर करेगा आपके साथ मैं करूंगा तबक रोशन हो जाएंगे जब लिखी होगी तो फिर मार भी लिख लेंगे लिखने में कौन सा इतना टाइम नहीं मैंने सोचा आज ही मैं सोच रहा था शाम को तो आप लोग भी बताए मुझे इनके साथ मजीद कौन सा मैं कुछ फनकारी लगाऊं आपके लिए एक फनकारी मैं लेके आऊंगा यारम साहब सबके साथ करते हैं ना इनके साथ मैं करूंगा फिर या मार भी के साथ या हारून के साथ या न्याजी के साथ इन तीन बंदों का बताएं ठीक है कि इन तीनों में से किसके साथ क्या फनकारी ले बिल्कुल कोई नई चीज बताएं कि इनके साथ एएमजी पे कोई फनकारी लगाई जाए यारम भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना इंशाल्लाह भाई आप भी देखोगे अरहन भैया आप देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे मच्छी घुमा इंशाल्लाह चलो करो चलो बट जी आपसे इजाजत लेते हैं इस ब्लॉग से अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें बहुत सारा प्यार करें लव यू तुहानू सारिआं नू ते अल्लाह हाफिज अगर पसंद आई है वीडियो तो जरूर बताइएगा और मुझे ये आइडिया भी दीजिएगा कि इन तीनों में से किसके साथ कौन सा नेक्स्ट प्रैंक करना चाहिए एएमजी पे अगर कोई और मजीद प्रैंक भी आप लोगों के जहन में है तो वो भी काइंडली मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि उनको भी आपका भाई फिर इम्प्लीमेंट कर सके क्योंकि मुझे इनको छेड़ने का इनको तंग करने का बहुत मज़ा आता है तो अब प्रैंक करते करते कहीं मेरे साथ प्रैंक ना ये लोग कर दें वो एक मिसाल है ना हंसते हंसते लग गए रस्ते कहीं मेरे साथ वो ना आ जाए अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़।